अदानी ग्रुप के सीमेंट संस्थानों पर छापेमारी चल रही है। टेस्ट एक्सरसाइज एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने की है रेड। और बता दें इस दौरान ही टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने हिमाचल प्रदेश में अदानी ग्रुप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रेड की है। छापेमारी करने आई टीम ने अदानी से जुड़े रिकॉर्ड को खंगाल लिया है। जान लें कि अमरीकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये बीते 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी करके धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बुधवार को अडानी एंटरप्राइज के शेयर जो है वो 2 दशमलव रुपए के भाव पर बंद हो चुकी थी। बता दें 19.76% की बढ़ोतरी को दिखावा किया गया। इसके साथ ही अडानी ग्रुप की कंपनी का मार्केट कैपिटल लाइंस आपको बता दे कि करोड़ों से पर जो घटकर चला गया है 2.46 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। वही सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष है। हालांकि अडानी ग्रुप से जुड़े आरोपों का जवाब नहीं देने के लिए विपक्ष दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में बुधवार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की जनता नकारात्मक को स्वीकार नहीं कर सकती और उनके ऊपर लगे झूठ आरोपों को कभी भी भरोसा नहीं करेंगी। अदानी ग्रुप के सीमेंट संस्थानों पर छापेमारी चल रही है। टेस्ट एक्सरसाइज एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने की है रेड। और बता दें इस दौरान ही टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने हिमाचल प्रदेश में अदानी ग्रुप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रेड की है। छापेमारी करने आई टीम ने अडानी से जुड़े रिकॉर्ड को खंगाल लिया है। जान लें कि अमरीकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये बीते 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी करके धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बुधवार को अडानी एंटरप्राइज के शेयर जो है वो 2 दशमलव रुपए के भाव पर बंद हो चुकी थी। बता दें 19.76% की बढ़ोतरी को दिखावा किया गया। इसके साथ ही अडानी ग्रुप की कंपनी का मार्केट कैपिटल लाइंस आपको बता दे कि करोड़ों से पर जो घटकर चला गया है 2.46 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। वही सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष है। हालांकि अडानी ग्रुप से जुड़े आरोपों का जवाब नहीं देने के लिए विपक्ष दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में बुधवार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की जनता नकारात्मक को स्वीकार नहीं कर सकती और उनके ऊपर लगे झूठ आरोपों को कभी भी भरोसा नहीं करेंगी। अदानी ग्रुप के सीमेंट संस्थानों पर छापेमारी चल रही है। टेस्ट एक्सरसाइज एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने की है रेड। और बता दें इस दौरान ही टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने हिमाचल प्रदेश में अदानी ग्रुप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रेड की है। छापेमारी करने आई टीम ने अडानी से जुड़े रिकॉर्ड को खंगाल लिया है। जान लें कि अमरीकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये बीते 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी करके धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बुधवार को अडानी एंटरप्राइज के शेयर जो है वो 2 दशमलव रुपए के भाव पर बंद हो चुकी थी। बता दें 19.76% की बढ़ोतरी को दिखावा किया गया। इसके साथ ही अडानी ग्रुप की कंपनी का मार्केट कैपिटल लाइंस आपको बता दे कि करोड़ों से पर जो घटकर चला गया है 2.46 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। वही सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष है। हालांकि अडानी ग्रुप से जुड़े आरोपों का जवाब नहीं देने के लिए विपक्ष दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में बुधवार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की जनता नकारात्मक को स्वीकार नहीं कर सकती और उनके ऊपर लगे झूठ आरोपों को कभी भी भरोसा नहीं करेंगी।